ये है फॉर्म नंबर टू। इसमें यहां वाला हिस्सा पहले दिखाइए, इसमें लिखा है कि राज्य और केंद्र की तरफ से लेटेस्ट बजट अनुमान, संशोधित अनुमान। तो इसमें पहले से जो वोटर होगा उसको पहले से यह भरा हुआ मिलेगा कि अभी राजस्व प्राप्तियां कितनी है, मतलब जिस राज्य में चुनाव हो रहा है वहां पर कितना पैसा जो है वो राज्य के बजट के पास आता है, रेवेन्यू कितना है। तो ये रेवेन्यू आपके पास लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। अब कितना खर्च राज्य ऑलरेडी कर रहा है ये भी आपको पहले से लिखा मिलेगा। उस राज्य के ऊपर उधार कितना है ये भी लिखा हुआ मिलेगा। उसके बाद बकाया देनदारी कितनी है ये भी उस वोटर को पता चलेगा। और स्टेट का जीडीपी कितना है या केंद्र की बात है तो क्या जीडीपी है वो भी लिखा हुआ मिलेगा। तो पहले तो राज्य की हालत क्या है आर्थिक तौर पर वो इस सेक्शन में पूरी तरह से आपको क्लियर पता चल जाएगी। अब आप सोचिए कि किस तरह से एक हिस्सा ये पता चल गया, आपको पता चल गया कि पॉकेट में कितना पैसा है। अब दूसरी तरफ देखिए, ये देखकर नेताओं का बुखार छूट जाएगा। मैं बता रहा हूं क्यों, अब जरा इसको पढ़ते जाइए। अब ये जानकारी राजनीतिक दलों को देनी है। क्या जानकारी देनी है? चुनावी वादे जो आप कर रहे हैं उसके लिए कुल अतिरिक्त रकम कितनी लगेगी। बॉस सुन रहे हैं, अब बताना पड़ेगा कि इतना तो पैसा आपके पास है लेकिन ये जो वादा किए हो इसके लिए अतिरिक्त रकम कितनी लगने वाली है। फिर उसके बाद 8.1 नंबर कॉलम है, इसमें चुनाव आयोग को आपको भर के देना होगा जो वोटर के पास जाएगा कि ये जो अतिरिक्त रकम लगेगी उसका सोर्स क्या होगा, कहां से लाओगे पैसा। बड़ा बड़ा बोल दिए फ्री ये देंगे फ्री वो देंगे, सोर्स क्या होगा। और सोर्स में भी ऑप्शन दिया गया है, क्या टैक्स बढ़ाओगे, नया टैक्स लगाओगे, विनिवेश करोगे। यानी आपको बताना होगा वोटर को। अभी तो मान लीजिए आप कह दिए कि हम ये कर देंगे, वोटर ने दे दिया, उसके बाद उसका लगता अरे ये तो टैक्स बढ़ा दिए, अरे ये तो एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिए। नहीं, उसी वक्त बताओ वोट लेने के पहले कि टैक्स बढ़ाओगे, एक्स्ट्रा टैक्स लगाओगे या विनिवेश करोगे, या फिर ये बताओ कि खर्चों में कटौती करोगे, कहां से करोगे वो बताओ, या अतिरिक्त उधार लोगे वो भी बताओ, या कोई अन्य तरीका है तो वो भी बताओ, कोई जादू की छड़ी रखे हो तो घुमाने वाले हो तो वो छड़ी के बारे में बताओ, चुनावी वादे पूरा करने के लिए कितने सोर्स लगाओगे वो भी बताओ। इतना ही नहीं, फिर उसके बाद जीडीपी का अनुमान क्या रह जाएगा जरा वो भी बताओ, और चुनावी वादे का वित्तीय हालत पर असर क्या पड़ेगा, अतिरिक्त उधार कितना बढ़ जाएगा ये भी बताओ, और जीडीपी के अनुपात में कर्ज कितना हो जाएगा ये भी बताओ। अब ये वो फॉर्म है बॉस जो राजनीतिक पार्टियों की नींद उड़ा देगा, क्योंकि नेता बोल के निकल जाते हैं, इतना डिटेल तो उन्होंने सपने में भी अगर देख लें तो हड़बड़ा के उठ जाएंगे, इतना डिटेल बताना होगा। चुनाव आयोग ने फॉर्म बना दिया। अब अभी तो हम ही लोग पत्रकार पूछते थे और हम में भी कुछ ही लोग पूछते थे, अब चुनाव आयोग ने यह नया फॉर्मेट बनाने का मन बनाया। अच्छा, अभी भेजा है नेताओं को, जरा बताओ ये करके भर के दोगे। अब वहां से आएगा वही रॉकेट उड़ के आएगा जो रूस और यूक्रेन के बीच उड़ रहा है, उससे घातक रॉकेट उड़ेगा शब्द वाला कि चुनाव आयोग ने ये कर दिया वो कर दिया फलाना ढमकाना, क्योंकि इसमें बहुत लोग एक्सपोज हो जाएंगे। कहने को तो सब बड़ा बड़ा फेंक देते हैं, जब डिलीवरी में कैसे डिलीवर करोगे एकदम खुला खेल हो जाएगा। चुनाव आयोग ने यह फॉर्मेट सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भेज दिया है ताकि वो 19 अक्टूबर तक इस पर अपनी राय दे सकें। इसके बाद चुनाव आयोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पार्ट 8 के सब पैरा 3 के सेक्शन 3 को संशोधित करेगा। अगर राजनीतिक दलों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो यह मान लिया जाएगा कि राजनीतिक दलों को इस पर कुछ नहीं कहना है। तो कुछ नहीं कहना तो हम जो कर रहे कर देंगे, तो इसलिए तो कहना ही पड़ेगा। और जब कहेंगे तो जो विरोध करेगा वो फंसेगा, जो विरोध नहीं करेगा वो डबल फंसेगा। तो ऐसा चकरघिन्नी बना दिया है चुनाव आयोग कि कई नेता जो हैं वो फ्री जो कीर जो राजनीति करते थे जो भी अलग अलग पार्टी के, वो सब फ्री में फंसने वाले हैं।